फ्रेंड्स वेलकम टू द कॉस्ट मम्स किचन। तो फ्रेंड्स आज है नवरात्रि का सातवां दिन, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई फिर से एक व्रत की रेसिपी। तो आज की रेसिपी है बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाली। तो ये रेसिपी जरूर देखना, पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। और आप ये रेसिपी ना एक बार खा लेते हो दिन में तो सारा दिन आप तरोताजा महसूस करते हो, यानी कि सारा दिन आपको भूख नहीं लगेगी और एकदम एनर्जी बनी रहेगी। तो चलिए देर ना करते हुए हमारी रेसिपी को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक लिया है आलू, तो बस आलू का मैंने छिलका उतार लिया था और इसको हम लोग पतले पतले पीसेस में कट कर लेंगे। तो ना ज़्यादा पतला करेंगे और ना ज़्यादा मोटा करेंगे, तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने मीडियम साइज के आलू को कट किया है, और तो जितना आलू लिया था उतना ही लिया था टमाटर, यानी कि एक लिया था आलू तो एक ही लिया है टमाटर। अगर आप लोग आलू दो लेते हो तो दो टमाटर भी लेना, तो दोनों इक्वल इक्वल लेना। तो बस टमाटर को भी इस तरह से पतले पतले साइजेस में हम लोग कट कर लेंगे, यानी कि पीसेस में। तो बस एक हरी मिर्ची भी कट कर लिया था, और इसके बाद ना लिया था यहाँ पर साबूदाना। तो बस साबूदाना को दो तीन पानी से अच्छी तरह से वाश कर लिया था और इसको एक कटोरी में रख लिया था। तो बस यहाँ पर गैस के ऊपर डाल दिया है पैन, और पैन में डाल दिया है एक चम्मच घी। तो घी आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। तो बस घी गर्म होने के बाद यहाँ पर डाल देंगे थोड़े से आलमंड यानी कि बादाम। तो बस बादाम को ना बस थोड़ा सा हम लोग फ्राई करेंगे, यानी कि इसका थोड़ा सा लगे कि हाँ इससे कलर चेंज हो चुका है, तब तक हम लोग उसको फ्राई करेंगे। तो बस कुछ ही सेकंड के लिए इसको करेंगे फ्राई, यानी कि कुछ ही सेकंड में फ्राई हो जाएगी। तो बस 10 से 15 सेकंड ही लगेगी ये फ्राई होने में, तो आप लोगों को पता चल रहा हो कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम लोग इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो बस इसी तरह से काजू को भी फ्राई कर लेंगे। तो जिस तरह से बादाम को किया था ना थोड़ा सा कलर चेंज होने तक, वैसे ही काजू को भी उसी तरह से फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा बस कलर चेंज होने तक। तो ये देखिए काजू भी फ्राई हो चुकी है। तो अब हम लोग लेंगे थोड़े से मखाना, बस थोड़ा सा लिया है मखाना, और मखाना को भी इसी तरह से ऑयल या घी में फ्राई कर लेंगे। तो बस मखाना भी हमारी फ्राई हो चुकी थी। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल चुकी थी आलू, तो आलू भी हमारी लगभग फ्राई हो चुकी है, पूरे तरह से फ्राई नहीं चुकी है, 80% फ्राई हो चुकी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर बस आलू को साइड करेंगे और थोड़ा सा जो घी हमारी साइड में आएगी ना उसी घी में हम लोग डाल देंगे गोटा जीरा यानी कि साबुत जीरा। तो बस जीरा को भी कलर चेंज होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए जीरा का एकदम कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो बस आलू भी जीरा में ही हम लोग मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग चाहते हो ना आलू से पहले जीरा देना तो आप लोग दे सकते हो, मैं यहाँ पर भूल चुकी थी तो मैंने दोबारा से इसमें डाल दी थी। तो बस आलू भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी थी, तो इसमें हम लोग डाल देंगे अपना कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च। तो बस इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग डाल देंगे अपना साबूदाना जो कि हमने पहले धो करके रखे थे। तो ये देखिए साबूदाना भी यहाँ पर डाल दिए है, और इसको साबूदाने आलू टमाटर और हरी मिर्च में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप लोग शेंदा नमक खाते हो तो यहाँ पर डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर नहीं डाला था, कोई नमक नहीं डाला था, तो अगर आप लोग खाते हो तो डाल सकते हो। तो बस इनको हम लोग थोड़ी देर फ्राई करेंगे साबूदाने को। तो ये देखिए थोड़ी देर ना फ्राई करने के बाद यहाँ पर डाल दिया है पानी। तो जिस कटोरी से साबूदाना लिया था ना आधी कटोरी, उसी कटोरी से मैंने ना दो कटोरी डाल दिया था पानी, अभी एक कटोरी डाली और बाद में थोड़े से मैं और डाल दी थी। तो टोटल मैंने दो कटोरी यहाँ पर पानी डाल दिया था। तो बस एक से दो बॉयल आने तक पकाएंगे, यानी कि साबूदाने को पकने तक हम लोग इसको पकाएंगे। तो बहुत ही जल्दी साबूदाने पक जाती है। तो बस साबूदाने में उबाल आना शुरू हो चुकी है। तो बस थोड़ी देर और पकाएंगे, और इसके बाद हम लोग डाल देंगे जो कि हम लोग ड्राई फ्रूट रखे थे फ्राई करके। वही अगर आप लोग ड्राई फ्रूट में किशमिश भी ऐड करना चाहते हो या चिनिया बादाम, तो वो भी आप फ्राई करके यहाँ पर डाल सकते हो। तो बस इन सभी को डालने के बाद ना आप लोग देख सकते हो, आप अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा पतली है, तो साबूदाना ठंडी होने के बाद ना ये गाढ़ी हो जाती है।
तो बस हम लोग अभी इसको पतला ही बंद कर देंगे, यानी कि गैस को ऑफ कर देंगे, और बस ठंडा होने के बाद ये खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी। तो बस गैस ऑफ करने के बाद ये मैंने ये ना थोड़ा सा मैंने डाल दिया यहाँ पर घी, और बस घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कटोरी लिया है, और कटोरी में हम लोग डाल देंगे अपना साबूदाने की खिचड़ी। तो अगर आप लोग व्रत नहीं भी करते हो ना, तो भी आप लोग इस तरह का खिचड़ी बना करके खा सकते हो। अगर आप लोग आलू नहीं डालते हो तो ये टोटली वेट लॉस हो जाती है हमारी खिचड़ी। तो अगर आप लोग वेट लॉस कर रहे हो तो आलू स्किप कर सकते हो और बाकी सब कुछ डाल सकते हो। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी थी खिचड़ी। तो ये देखिए आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर फाइनल लुक। तो ये आप कभी भी खा सकते हो, बिना उपवास के भी खा सकते हो, यानी कि बिना फास्टिंग के भी खा सकते हो। अगर आप लोग एक कटोरी सुबह में खा लेते हो ना, तो सारा दिन आप लोग एनर्जेटिक महसूस करते हो। तो इस तो ये खिचड़ी की खास बात ये है कि बहुत ही जल्द बन जाती है। और कैसी लगी रेसिपी जरूर मुझे बताना कमेंट करके। अगर कहीं से भी थोड़ी सी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, शेयर कर देना। और अगर आप लोग चैनल पर नए आते हो तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के बेल आइकन दबा के ऑल कर देना फ्रेंड्स, ताकि मेरी हर रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।